विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत कुमार, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। सर, ये बताइए कि आज दूसरा दिन है एनकाउंटर का, तमाम पूछताछ भी हुई होगी, अभी तक क्या निकल करके आया है सामने? ये विकास दुबे से कोई पूछताछ फॉर्मली हम लोगों की नहीं हो पाई, क्योंकि आपको घटनाक्रम पता ही है। तो गाड़ी पलट गई और उसमें उसने भागने का प्रयास किया, उस दौरान घटना घटी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, हम अब आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो अन्य अभियुक्त हैं, जो बचे हैं, उनको हम कैसे गिरफ्तार करें और कैसे हम जल्द से जल्द एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करें और जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक करा के और अभियुक्तों को सजा दिलाएं। सर, उनकी पत्नी से कोई पूछताछ, या फिर जब वो उज्जैन से उसे लाया जा रहा था, रास्ते में कोई पूछताछ हुई है? घटना की सत्यता के बारे में उनकी पत्नी से को यहाँ से कानपुर की पुलिस ले गई थी और जिसको मीडिया से शेयर भी किया गया था। उसके बाद से उनको छोड़ दिया गया। उनके साथ उनका नाबालिग बच्चा भी था, वो कहीं छोड़ा नहीं जा सकता था। उसको ससम्मान हम लोग ले गए और बिठा के पूछताछ हुई अलग से, और उन्होंने जो सूचनाएं दी हैं, कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे कि उनका कोई अपराध बन रहा हो, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। वो अब एक आम नागरिक की तरह अपने घर, जहाँ अभी उनका रेसिडेंस है, वहाँ रह रहे हैं। और पोस्टमार्टम के बाद से विकास दुबे की बॉडी उनके परिवारजन को सौंपी गई और जो भी एक रीति रिवाज है और कोविड की स्थिति को देखते हुए वो उस हिसाब से अंत्येष्टि भी की गई और लगातार हमारी टीमें लगी हैं कि जो बचे हुए मुजरिमान हैं उनको हम अकाउंट फॉर करें। और लगभग अभी 12 ऐसे अभियुक्त हैं जो भागे हुए हैं और उनके ढूंढने का प्रयास जारी है। सर, एक सवाल इस एनकाउंटर को लेकर के लगातार उठ रहा है कि एनकाउंटर गलत हुआ है, फर्जी है, और उसमें सवाल यह है कि गाड़ी बदल दी गई, जो गाड़ी गिरी हुई मिली उसके भी जो फोरेंसिक एविडेंस होने चाहिए, क्या इस पर आप क्या कहेंगे? गाड़ी और जो ये सब बातें हैं, ये इसका जवाब जो संस्थाएं ऐसी हैं उनको दिया जाएगा। इसके बारे में रोज रोज और प्रत्येक आदमी, हर एक आदमी अपने हिसाब से बातें कर रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जो संस्थाएं हैं जिसके प्रति पुलिस आंसरेबल है, उनको हम पूरी जवाबदेही के साथ जवाब देंगे। और मैं आपको सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं मुठभेड़ के मामले में, उन सभी चीज़ों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। एक और आखिरी सवाल ये बताइए कि इसकी जांच दूसरे एंगल पर भी हो रही है, जैसे उनकी संपत्ति की जांच, उनके लिंक्स की, उसके लिंक्स की जांच, पॉलिटिकल, या फिर जितने भी कह सकते हैं कि वहां के व्यापारी और बड़े बड़े लोग, ऐसे भी लोगों की जांच, क्या कुछ निकल करके आया है? कोई जांच ऐसी चल रही है? पुलिस की विवेचना चल रही है, उस दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे या विवेचना के दौरान जिसके भी बयान होने हैं हम लेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे किसी को अन्यथा परेशान न किया जाए और ना ही किसी को छोड़ा जाए। और इतना ये गंभीर प्रकरण है कि इसमें लगातार एसएसपी स्वयं इस चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन वहाँ के जो आईजी हैं, कानपुर रेंज के वहाँ के एडीजी हैं, उसका लगातार अनुश्रवण भी कर रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, किसी के साथ छोड़ने का मतलब नरमी नहीं बरतेंगे विवेचना के दौरान, और किसी को हम अननेसेसरी हरास भी नहीं करेंगे। ईडी की जांच के बारे में कोई जानकारी देंगे? इसके बारे में तो वो अलग संस्था है, उनको आप लोग जो शेयर करेंगे उनके उनके साथ? साथ उनको जो भी सहायता उनको चाहिए हम अवश्य देंगे। जो उनको अगर जो भी सूचनाएं अगर हमसे उनको कुछ चाहिए तो अगर
अगर हमसे मांगते हैं हम अवश्य देंगे, वो भी एक सरकारी संस्था है, और अगर हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये तो डे टू डे अफेयर्स में हम लोग की इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती रहती है। मध्य प्रदेश में दोबारा उज्जैन टीम भेजी जा रही है क्या, कि कैसे आखिर वो उज्जैन पहुंचा या फिर छह दिनों तक वो आदमी कहां कहां रहा? ये चीजें प्रतिदिन लोगों को बताने की नहीं है, ये तो विवेचना का प्रश्न है। सभी चीजों का अध्ययन किया जाएगा और सभी बातें इसमें विवेचना के दौरान हम स्टडी करेंगे। सबसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। साफ तौर पर बता रहे हैं कि चाहे जितने भी सवाल उठ रहे हों, लेकिन आंसरेबल जिस संस्था के प्रति पुलिस है वो वहां जवाब देगी और कोई गलत काम नहीं हुआ है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।